नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, तार प्रोड्यूसर सईद सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। आई मेरे तमाम मुझे सुनने वाले साथियों, पाकिस्तानी भाइयों, आइए थोड़ा निगाता कैन चलते, निगाता में आपको थोड़ी रोशनी डालता हूँ। अभी एक स्टॉल लगाया है निगाता कैन का, जहाँ मस्जिद तामीर हो रही है, जिसके लिए सारे पाकिस्तानी को अपील करता हूँ कि उनकी चंदे में हिस्सा डालो, अल्लाह के घर को बनाने की कोशिश करो। मगर उसमें एक प्रॉब्लम मुझे नजर आई है, जिसको मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें कभी अक्ल आएगी, कभी समझ में आएगी। इस तरीके से टोक्यो में भी एक दफा नहीं, 10 दफा हो चुका है, जो आज निगाता में करने की कोशिश करे कि एक बंदे को इतनी लेती जा रही है, ऐसा लगता तो बंदा नहीं है, वो तो कंप्यूटर है, उसको तो सारी जबानें उसको आ रही है। अगर उसको जबानें आ रही है तो कंप्यूटर में भी बड़ी जबानें आ रही है। यही जबानें वालों ने जापान के अंदर टोक्यो में मस्जिदों के नाम पर चंदा लिया, आज उनकी लाल पीली अंताली बना के बुढ़े होके मर रहे अब तो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने तुम्हें निगाता में चांस दिए, ये जबानों से कुछ नहीं होता है, किसी की दिलेदारी मत करो, खुदा के वास्ते आप घर बनाओ अल्लाह का, आप तबलीग करो, उसको फायदा उठाओ, उस बंदे को, कंप्यूटर वाले मेरे भाई को फायदा उठाओ कि आओ, अगर इतनी जबानें आती है तो एक दो मुसलमान जापनीज करो, जो तबलीग का असल काम है। हमें जबानें आती है तो फिर हम फायदा उठाओ उस जबानों से। हमारी जबानें किस काम की? चोरी बोलने में, झूठ बोलने में, बातें करने में, इसीलिए जबानें नहीं सीखी जाती है। जबान अल्लाह ताला ने जहन देता है, उसे फायदा उठाने के लिए होता है। जो टोक्यो में किए हैं बंदों ने, जो मस्जिदों के कब्रस्तानों के पैसे खा चुके थे, तो जबानों पर भी भरोसे नहीं होते, बात होती ईमान पर, बात होती सच पर। आप सब मिलके किसी आपके इलाके के अंदर, निगाता के अंदर कोई बंदा पंजाब का, जिसको उर्दू नहीं आती, तो क्या उस गरीब को दिल्ली टोल दी, जिसको 10 जबान आती है उसको एक नहीं आती है? कोई पेशावर का भाई है जिसको पश्तो जबान आती है तो उसका भी दिल टूटता है, यार ये क्या मसला है? तो ऐसा काम मत करो, दिलेदारी होती है। अब मस्जिद एक नहीं, 1000 बनाओ, मस्जिद बनाओ खाली, बाकी तबलीगें ना करो। अगर मस्जिद देखनी है, हमारे यहाँ झोपड़े में बनी हुई है, या मस्जिद उमर बिन खताब, जो फजर की नमाज में आके एक दफा जापान में चैलेंज करता हूँ कि देखो, टूटी फूटी हम तो नहीं कोशिश कर रहे, हमें नमाजियों की जरूरत है, हमें तबलीग की जरूरत है, हमें फैशन बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम समझते नहीं। हमको जबानें आ गई, जबानें आने से फायदा क्या? उसे फायदा उठाओ, उसे लुत्फ उठाओ, अल्लाह ने एक मौका दिया है, मस्जिदें बनाओ, अपने मुसलमान करो। जरा क्रिस्टल कर रही है, अपने आप को भाग रहे हैं, स्टेशनों में पकड़ रहे, पर आप जापानीज को देखो, हर किसी के घर में घुस रहे, कोई पाकिस्तानी जा रहा है सवाई तबलीग वालों के अलावा, किधर नहीं जा रहा कोई बंदा, तबलीग वाला काम कर रहा अपनी तरह से, सही कर रहे, कम से कम मस्जिदों तक तो बुला रहे, हम क्या कर रहे? हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ जबानें सीखी हुई है। जबानों पर बातें मत करो, इस पर तंकी को दिल दुखता है, मेरा भी दिल दुखा है कि यार क्या मजाक बना कर रहा है, उसको जबान इतनी आ रही है, भाई बंदा नहीं हो कंप्यूटर है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ काफी लोग हमारे सीनियर रह रहे, पुराने लोग रह रहे, जिनको बेचारे को पंजाबी आ रही है, कोई पिशावर का है, कोई सिंधी है, कोई बलोची, कोई उर्दू स्पीकिंग है, तो क्या उनकी रिकॉर्ड उसके जाने डिमांड नहीं है? जबान आ रही है वही मजा फरिश्ता है, बाकी सारे ऐसे ही है। ये तंकीक होती है, ये तंकीक मेरा इसरा है, खुदा के वास्ते ये चीजों को छोड़ो और अल्लाह के घर को बनाओ, और उसमें नमाजियों की कोशिश करो कि कितने तुम्हारे फजर की नमाज में आते हैं, मुझे एक निगाता का बता दे, या एक ईशा की नमाज के मुझे बंदे गिन के बता दो, या तो मैं मस्जिद उमर की फोटो निकाल के लगा के दिखा देता हूँ, पूरे जापान की चैलेंज करता हूँ। ऐसा काम मत करो, जबानों से काम कुछ नहीं होता है, काम होते अमल से, काम होते तबलीग से।